नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 8 चैप्टर आपके ख़त्म कर चुके हैं। 8वां चैप्टर था आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बारे में। आज बात करेंगे हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में। ये आपका 9वां चैप्टर है। याद रखिए, आपके इतने ये होंगे कम से कम 13 से 14 चैप्टर होंगे आपके कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के। इसके बाद 25 से 30 हम लोग मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो आपके 1 डे एग्ज़ाम के होंगे। ये सभी कंप्लीट करने के बाद आपको कंप्यूटर साइंस के लिए, कंप्यूटर सामान्य ज्ञान के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना मटेरियल आपके लिए काफ़ी है, और इतने से आपका कोई भी परीक्षा में, फिर चाहे लिखित रूप में हो फिर चाहे ऑब्जेक्टिव रूप में हो, दोनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे दोनों तरह के। ठीक है, तो बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। आखिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है क्या? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अमेरिका ने किया था। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। ये सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या फिर किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका नाम एमएस ऑफिस भी है। एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण 1990 में मुख्य रूप से 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे, जो क्रमशः थे आपके एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट, एमएस एक्सेल। बाद में इनमें सुधार करके कुछ सॉफ्टवेयर जैसे आपका एमएस एक्सेस डाटाबेस हो गया, एमएस पिक्चर्स मैनेजर, स्पेल चेकर और VBA, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और एमएस आउटलुक आदि जोड़े गए। आजकल सभी कंप्यूटरों में इन सॉफ्टवेयरों का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन, फिर विंडो फोन आदि भी एमएस ऑफिस का एक नया संस्करण एमएस ऑफिस मोबाइल नाम से उपलब्ध है। एमएस ऑफिस के 5 सॉफ्टवेयर निम्नलिखित हैं। एमएस ऑफिस के कितने सॉफ्टवेयर हैं? 5। कौन कौन से हैं? एमएस वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, ट्रेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर, एमएस पावर पॉइंट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेस, डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एमएस आउटलुक, ईमेल क्लाइंट। ठीक है, ये आपके एमएस ऑफिस के 5 प्रमुख सॉफ्टवेयर। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें कुछ सुधार करने के लिए किया जाता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो सब लगभग सभी कंप्यूटर में एमएस ऑफिस जैसे पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं, जो 45 KB से कम साइज के डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें बदलाव करने, डॉक्यूमेंट की पेंटिंग करने, उसमें एडिटिंग करने आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। 1985 में एमएसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया, और वर्ष 1990 में एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। एमएस वर्ड को प्रारंभ करना, एमएस वर्ड को खोलने या प्रारंभ करने की 3 विधियां हैं। टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक टेक्स्ट बॉक्स आता है, उस टेक्स्ट बॉक्स में बिन वर्ड टाइप करके इंटर की दबाते हैं। डेस्कटॉप पर उपलब्ध माइक्रोसॉफ्ट
आइकन पर डबल क्लिक करते हैं, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं, स्टार्ट मेनू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प का चयन करते हैं, तत्पश्चात प्राप्त मेनू में से एमएस ऑफिस का चयन करने के बाद एमएस वर्ड को चयन कर क्लिक करते हैं। अर्थात इस प्रकार स्टार्ट, फिर उसके बाद ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, फिर एमएस वर्ड। अब हम लोग बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित अवयव होते हैं। पहला है आपका टाइटल बार, यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर एक रिबन पट्टी होती है जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। टाइटल बार में तीन बटन होते हैं, कौन कौन से, मिनिमाइज, इस बटन पर छोटी रेखा या फिर डैश इस तरह का छपा होता है, इस बटन को क्लिक करने से विंडो अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाती है। आप इस बटन को क्लिक करके विंडो को उसके पूर्व आकार में ला सकते हैं। कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टास्क बार में बटन के रूप में आ जाने पर भी बंद नहीं होता है, अर्थात वर्ड एक्टिव रहता है। फिर आपका मैक्सिमाइज रीस्टोर, मैक्सिमाइज बटन पर एक छोटा वर्ग होता है इस तरह का छपा होता है, इस बटन को क्लिक करने से विंडो पूरी स्क्रीन बदल जाती है और मैक्सिमाइज बटन रीस्टोर करने में बदल जाता है, जिस पर छोटे आयतों इस तरह के का एक जोड़ा छपा होता है। यदि आप रीस्टोर बटन को क्लिक करते हैं तो विंडो अपने पुराने आकार में आ जाती है और वह बटन फिर से मैक्सिमाइज वर्ड बटन बन जाता है। फिर आता है आपका तीसरा क्लोज, इसका प्रयोग किसी खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए किया जाता है, ठीक है। फिर आता है आपका स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित रखना इसमें शामिल रहते हैं। फिर आता है आपका रिबन, यह स्क्रीन के टीओपी पर टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है, इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है, इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है। जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इसी रिबन पर दिखाई देते हैं, इस रिबन को मिनिमाइज भी किया जा सकता है, ठीक है। फिर आपका टैब क्या आता है, टैब रिबन पर मेनू बार में कुछ बटन लगे होते हैं, इन बटन को टैब कहते हैं, इन बटन को क्या कहते हैं, टैब। इनका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, पेज के अनेक प्रकार के प्रीव्यू देखने, पेज में कोई नया चित्र, ग्राफ आदि जोड़ने के लिए करते हैं। टैब्स के अंतर्गत निम्नलिखित बटन आते हैं, पहले आपका होम टैब, इस टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल्स, एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। क्लिपबोर्ड में किसी टेक्स्ट को कट, कॉपी और पेस्ट करने के विकल्प होते हैं, कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, जिसे आगे हम कभी भी पेस्ट कर सकते हैं। आपका फिर आता है फॉन्ट, यह फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज, स्टाइल, कलर, फॉन्ट को बोल्ड करना, तिरछा करना या फिर उसके नीचे अंडरलाइन लगाना आदि कार्यों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर आता है आपका पैराग्राफ, क्या आता है, पैराग्राफ, पैराग्राफ का प्रयोग किसी पंक्ति में बुलेट या नंबरिंग लगाना, उसे इंडेंट करना आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इस टूल बार को फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं। फिर आता है आपका स्टाइल्स, स्टाइल्स के प्रयोग से किसी टेक्स्ट के स्टाइल को बदलते हैं, एडिटिंग की प्रयोग से किसी कैरेक्टर
या शब्द को ढूंढ सकते हैं, उसे दूसरे कैरेक्टर या शब्द में बदल सकते हैं। तो ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो, देख लीजिए। यह आपका या करेंट पेज लोकेशन हो जाएगा जो पेज खुला हुआ है, ठीक है। ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार, ये आपका यहाँ होता है डिवीजन बाय पेज, यहाँ आपका जूम इन एंड जूम आउट होता है, मतलब घटा या बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये जो आपका दिख रहा है ये वर्क एरिया है, यहाँ काम कर सकते हैं। ये आपका कर्सर है जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं। ये आपका है फॉर्मेटिंग टूल, ठीक है। ये दिख रहा है जो ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इसे नीचे ऊपर करने के लिए प्रयोग करते हैं। ये आपका रिबन हो गया, क्या है रिबन, ये यहाँ जो आपके की रहते हैं ये आपकी स्पेशल फीचर है। यहाँ आपका हेल्प हो गया, यहीं आपका क्लोज बटन होता है, यहाँ आपका यहीं आपका मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होता है, मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज यहाँ होता है। फॉन्ट स्टाइल आपका ये है, मतलब स्टाइल बदल सकते हैं किसी अक्षर के। यहीं आपके ये होते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार, यहाँ आपका टाइटल बार होता है, ये आपका यहाँ मीनू बार होते हैं, फ्रंट फिर वो होता है यहाँ, और सेव बटन, किसी जो भी प्रोग्राम हम लोग लिख रहे हैं उसे सेव कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। बात करते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब, इस टैब में पेजेज, टेबल्स, एल स्टेशन, लिंक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल नाम के विकल्प होते हैं। पेजेज, विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए, पेज को बीच में ब्रेक करने के लिए, ब्लैंक पेज इंसर्ट करने के लिए करते हैं। फिर आपका टेबल्स, विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार की टेबल बनाने तथा टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं। एल स्टेशन, एल स्टेशन का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पिक्चर्स, क्लिप का आर्ट, शिप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आदि को पेज में इंसर्ट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका लिंक्स का प्रयोग हाइपरलिंक्स बनाना, बुकमार्क लगाना और क्रॉस रेफरेंस बनाने के लिए करते हैं। फिर आपका हेडर और फुटर, हेडर और फुटर का प्रयोग किसी पेज में ऊपर या फिर नीचे हेडर शीर्षक डालने और फुटर डालने के लिए करते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट का विकल्प का प्रयोग टेक्स्ट बॉक्स डालना, वर्ड आर्ट डालना, डेट और टाइम डालना और विभिन्न प्रकार की वस्तु डालने के लिए करते हैं। सिंबल, सिंबल का प्रयोग डॉक्यूमेंट में विभिन्न प्रकार के चिन्ह डालने के लिए करते हैं। फिर आपका पेज लेआउट टैब, इस टैब का प्रयोग विभिन्न प्रकार के थीम्स डालने के लिए करते हैं। इस विकल्प से पेज का बैकग्राउंड और पैराग्राफ सेट किया जाता है। फिर आपका रिव्यू टैब, इस टैब का प्रयोग स्पेलिंग और ग्रामर चेक करने, शब्दकोश देखने, अनुवाद करने और डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग में करते हैं। फिर आता है आपका व्यू टैब, यह प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन लेआउट और मैक्रोज स्पेलिट आदि से मिलकर बना होता है। इसका प्रयोग पेज की बनावट देखने के लिए करते हैं। फिर आता है आपका रूलर, यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप पर और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हाशिए को देखने बस सेट करने के लिए करते हैं। रूलर्स दो प्रकार के होते हैं, रूलर्स आपके दो प्रकार के होते हैं, एक आपका क्षैतिज रूलर, यह डॉक्यूमेंट की चौड़ाई को सूचित करता है अर्थात टेक्स्ट और पेज के किनारे के बीच के अंतर को बताता है। इसका प्रयोग लेफ्ट और राइट मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। मार्जिन का तत्पर पेज बॉर्डर और टेक्स्ट के बीच में अंतर से है। दूसरा है आपका ऊर्ध्वाधर रूलर, यह डॉक्यूमेंट की ऊंचाई को सूचित करता है अर्थात टेक्स्ट और टॉप पेज बॉर्डर के बीच अंतर को प्रदर्शित करता है।
इसका प्रयोग टॉप और बॉटम मार्जिन को सेट करने के लिए करते हैं। फिर आता है आपका स्टेटस बार, यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करेंट पेज, करेंट टेम्पलेट, कॉलम नंबर और लाइन नंबर आदि को दिखाता है। फिर आपका कार्य क्षेत्र, यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई चित्र या फिर वस्तु जोड़ते हैं, इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है आपका कर्सर, इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। यह किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है या जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होता है। यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हैं तो वह भी कर्सर पॉइंट के स्थान पर ही जुड़ता है आपका। अब बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकता है। एमएस वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं, पहली आपका टेक्स्ट एडिटिंग, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट को लिखना, लिखे हुए टेक्स्ट को एडिट करना, डिलीट करना या फिर टेक्स्ट के कंपोनेंट को मॉडिफाई करना आदि कार्य बहुत ही आसानी से होता है इसमें। यदि किसी टेक्स्ट को कट कर दिया जाता है तो कट किया हुआ टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में अस्थायी रूप से स्टोर रहता है। जब उसे पेस्ट कर देते हैं तो क्लिपबोर्ड में से कट किया हुआ टेक्स्ट हट जाता है। दूसरी विशेषता है इसमें आपकी शामिल फॉर्मेट टेक्स्ट, एमएस वर्ड में किसी टेक्स्ट या शब्द को अनेक प्रकार की शब्द डिजाइन से मॉडिफाई कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की स्टाइल का प्रयोग करके टेक्स्ट के एपीरियंस को बदल सकते हैं हम लोग। तीसरी विशेषता है इंडेंटेशन का तात्पर्य पेज की बाउंड्री और टेक्स्ट के बीच के अंतर से है। इसके प्रयोग से टेक्स्ट और पेज बाउंड्री के बीच में चारों तरफ से गैप को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर आपका पेज ओरिएंटेशन, एमएस वर्ड में दो प्रकार के पेज ओरिएंटेशन होते हैं, क्षैतिज ओरिएंटेशन और ऊर्ध्वाधर ओरिएंटेशन। इसका प्रयोग किसी टाइप किए हुए टेक्स्ट को एक क्षैतिज पेज में या फिर ऊर्ध्वाधर पेज में प्रिंट करने के लिए किया जाता है। फिर आपका पांचवी विशेषता है इसकी फाइंड एंड रिप्लेस, एमएस वर्ड में टाइप किए गए टेक्स्ट में किसी विशेष कैरेक्टर या शब्द को आसानी से फाइंड किया जा सकता है। इसमें फाइंड किए गए कैरेक्टर या शब्द को किसी दूसरे कैरेक्टर या फिर टेक्स्ट से बदला भी जा सकता है। ठीक है, इसकी अगली विशेषता है स्पेल चेक, इसमें स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा भी होती है। यह ऑटोमेटिकली स्पेलिंग और ग्रामर की गलतियों को ढूंढता है तथा उसे सही भी करता है। फिर आपकी शब्दकोश, इस सॉफ्टवेयर में एक कॉम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी और शब्दकोश होता है जो एक समय के कई पर्यायवाची शब्द के कई पर्यायवाची देता है सिनोनिम्स। फिर आता है आपका बुलेट्स एंड नंबरिंग, इस सॉफ्टवेयर में अनेक प्रकार के बुलेट्स, विशेष प्रकार के चिन्ह और नंबर, गिनती के अंक, रोमन अंक और अंग्रेजी के अक्षर होते हैं जिसका प्रयोग करके पेज में एक लिस्ट बना सकते हैं और पेज में लिखे हुए डेटा को एक क्रम में भी रख सकते हैं। मेल मर्ज, अगली विशेषता क्या है, मेल मर्ज एमएस वर्ड की वह सुविधा है जिसके द्वारा एक पत्र अनेक व्यक्तियों को भेज सकते हैं, क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इसमें दो फाइलों से सूचनाएं लेकर उन्हें आपस में मिलाकर
या फिर ब्लर करके वास्तविक दस्तावेज तैयार किया जाता है, जिसमें एक फाइल को डेटा फाइल और या डेटा स्रोत और दूसरी फाइल को फॉर्म लेटर या फिर मुख्य दस्तावेज कहा जाता है। इस विधि से आप लिफाफों पर चिपकाए जाने वाले पत्तों की पर्चियां छाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जो लिफाफे पर चिपकाए जाने वाली पत्तियां होती हैं उन्हें भी छाप सकते हैं। अगली विशेषता इसकी है ग्राफिक्स। यह एमएस वर्ड में ड्राइंग बनाने की अच्छी सुविधा होती है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे कि आपका वृत्त, आयत, रेखाएं, त्रिभुज आदि अनेक प्रकार की ड्राइंग आसानी से बना सकते हैं। इसमें ड्राइंग बनाने का ड्राइंग टूल बार उपलब्ध होता है, जिसमें अनेक प्रकार की ड्राइंग होती है। अगली हमारी विशेषता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। यह एक प्रकार की प्रोग्राम इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका प्रयोग करके वस्तुओं के द्वारा सूचनाओं को प्रोग्राम में के मध्य साझा किया जाता है तथा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे चार्ट्स, समीकरण, वीडियो क्लिप, पिक्चर आदि पाए जाते हैं, जो सूचनाओं को साझा करने तथा प्रदर्शित करने के में प्रयोग किए जाते हैं। अगला है हमारा क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार। इस सॉफ्टवेयर में दो स्क्रॉल बार होते हैं, जो पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं मूव कराते हैं। इसमें क्षैतिज स्क्रॉल बार होता है, जो स्टेटस बार के ऊपर स्थित होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को दाईं तरफ या बाईं तरफ मूव करा सकता है। दूसरा ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार होता है, जो स्क्रीन के दाईं तरफ होता है। यह स्क्रॉल बार पेज को डॉक्यूमेंट विंडो में ऊपर नीचे मूव कराता है। ठीक है, यहाँ के कुछ आपके पॉइंट दिए गए हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है, वन डे एग्जाम में पूछ लेता है। एमएस वर्ड 1983 में एक्सनेक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड नाम से रिलीज हुआ था। एमएस वर्ड के नए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट फर्स्ट होता है। एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट .doc और .docx होता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर्स होता है। ऑफिस लोगो बटन कि यह एमएस के प्रत्येक सॉफ्टवेयर की विंडो में सबसे ऊपर बाएं किनारे पर एक बटन होता है, जो एमएस ऑफिस लोगो बटन के नाम से जाना जाता है। इस बटन के ऊपर की लोगो चित लगी रहती है। इस बटन का प्रयोग डॉक्यूमेंट को खोलने, बंद करने, पुराने डॉक्यूमेंट को खोलने, सुरक्षित करने और प्रिंट करने के लिए उपयोग करते हैं। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस होम के प्रयोग से कर्सर डॉक्यूमेंट के आरंभ में पहुंचा जा सकता है। ये आपकी कुछ शॉर्ट की है एमएस वर्ड के शॉर्टकट कीज और उनका विवरण स्टैंडर्ड टूल बार। जैसे आपका ये टूल का नाम हो गया, ये शॉर्टकट की हो गई और ये विवरण न्यू कंट्रोल प्लस एन एक नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं कंट्रोल प्लस एन। ओपन कंट्रोल प्लस ओ या फिर कंट्रोल प्लस F12 को जब हम लोग की करते हैं तो हमारा पहले से बने डॉक्यूमेंट को खोलने के लिए इसका उपयोग करते हैं। सेव के लिए क्या करते हैं, कंट्रोल प्लस एस या फिर शिफ्ट प्लस F12। एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित रखने के लिए किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट के नाम व लोकेशन को बदलकर सुरक्षित करने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। सेलेक्ट कंट्रोल प्लस ए पेज के सभी कंटेंट्स को चुनने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस ए का प्रयोग कर सकते हैं। फिर है आपका प्रिंट, क्या है प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस पी या फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F12 एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंट करा सकते हैं हम लोग। प्रिंट प्रीव्यू
कंट्रोल प्लस F12। प्रिंट करने से पहले पेज का रिव्यू या प्रीव्यू देखने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। स्पेलिंग F7। किसी एक्टिव डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस या फिर गोटो, इसके लिए F5 का उपयोग कर सकते हैं। फाइंड रिप्लेस और गो टू विंडो खोलने के लिए हम लोग F5 का प्रयोग कर सकते हैं। कट कंट्रोल प्लस X, चुने हुए टेक्स्ट या वस्तु को कट करने, उसे क्लिप बोर्ड में रखने के लिए इसका उपयोग करते हैं। कॉपी कंट्रोल प्लस C, चुने हुए टेक्स्ट या फिर वस्तु की कॉपी करने, उसे क्लिप बोर्ड में रखने के लिए इस कंट्रोल प्लस सी का उपयोग करते हैं। पेस्ट कंट्रोल प्लस B या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग करते हैं। क्लिप बोर्ड में कट या फिर कॉपी किए गए कंटेंट को किसी पेज में किसी स्थान पर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस B या फिर शिफ्ट प्लस इंसर्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अंडो कंट्रोल प्लस Z, पिछले दिए गए आदेशों को रद्द करने के लिए कंट्रोल प्लस Z का प्रयोग कर सकते हैं। रेडो कंट्रोल प्लस Y, अंडो के द्वारा रद्द किए गए आदेश को प्रभावी बनाने के लिए कंट्रोल प्लस Y का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये आपके कुछ फॉर्मेटिंग टूल बार हैं। ये आपका टूल का नाम हो गया, शॉर्टकट की हो गई और विवरण। स्टाइल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S, किसी चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट को स्टाइल को बदलने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस S का प्रयोग कर सकते हैं आप लोग। फॉन्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट तथा आकार को बदलने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। फॉन्ट साइज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस P, चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं शॉर्ट की का। बोल्ड कंट्रोल प्लस B, चुने हुए टेक्स्ट या फिर शब्द को बोल्ड मोटे अक्षर में लिखने के लिए उपयोग कर सकते हैं। इटैलिक कंट्रोल प्लस T, चुने हुए शब्द या फिर अक्षर को तिरछे स्टाइल में लिखने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अंडरलाइन कंट्रोल प्लस U, चुने हुए शब्द या फिर अक्षर के नीचे रेखा खींचने के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। इलिनेड लेफ्ट कंट्रोल प्लस L, शब्दों को बाएं ओर से सीधा मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सेंटर कंट्रोल प्लस E, पैराग्राफ को पेज के बीचों बीच मिलाने के लिए या शब्दों को बीच में लिखने के लिए कंट्रोल प्लस E का प्रयोग कर सकते हो आप लोग। एलाइंड राइट कंट्रोल प्लस R, शब्दों या पैराग्राफ को पेज के दाएं तरफ सीध में लाने के लिए आप लोग कंट्रोल प्लस R का प्रयोग कर सकते हैं। जस्टिफाई कंट्रोल प्लस J, पैराग्राफ को दाएं और बाएं तरफ से सीधे में लाने के लिए कंट्रोल प्लस J का प्रयोग कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक पावरफुल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है जो आपके डेटा को व्यवस्थित करने, कैलकुलेशन पूरी करने, निर्णय तक पहुंचने, ग्राफ या डेटा प्रोजेक्शन दिखाने वाली रिपोर्ट तैयार करने, व्यवस्थित डेटा को वेब पर पब्लिश करने या फिर रियल टाइम डेटा को एक्सेस करने की सुविधा देता है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने वर्ष 1985 में MS OS के लिए MS Excel का प्रथम संस्करण बनाया था। वर्ष 1990 में यह MS Office पैकेज के साथ कंबाइंड हो गया, मिला दिया गया। ठीक है,
इसमें एक इलेक्ट्रॉनिक स्पीड सीट होती है जिसका प्रयोग अकाउंटिंग उद्देश्य के लिए करते हैं, गणितीय कार्यों के लिए भी करते हैं, बजट बनाने या फिर बनाने बिल बनाने में करते हैं। इसे आप लोग साधारण भाषा में वर्क सीट भी कहते हैं। इसके अलावा आप स्पीड सीट्स में दूसरे प्रोग्रामों द्वारा बनाए गए अथवा आयात किए गए फोटोग्राफ, ड्राइंग, क्लिप आर्ट, लोगो आदि भी जोड़ सकते हैं। एमएस एक्सेल में स्पीड सीट या फिर वर्कशीट बहुत से खानों या सेलों का एक समूह होता है जिन्हें पंक्तियों या कॉलमों में व्यवस्थित किया जाता है। पंक्तियाँ दाएं से बाएं अर्थात क्षैतिज होती हैं, जबकि कॉलम आपके ऊपर से नीचे अर्थात ऊर्ध्वाधर होते हैं। पंक्तियों को क्रम संख्याओं से पहचानते हैं तथा कॉलम को ए बी सी अक्षरों से पहचानते हैं। एम एस एक्सेल के लिए अलावा कुछ अन्य स्पीड सीट जैसे कि आपका स्नोबॉल हो गया, लोटस 1 2 3, एप्पल नंबर्स आदि होते हैं। इसे डेटाबेस की तरह प्रयोग कर सकते हैं आप लोग, जो संबंधित डेटा को स्टोर करता है। इसके द्वारा किसी विशेष डेटा को एक पैटर्न के आधार पर ढूंढा जा सकता है। ये हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विंडो, ये आपका स्टेटस बार हो गया, यहीं आपका ये सीट टैब स्क्रॉलिंग बटन हो गया, ये आपका वर्क टैब्स हो गए यहाँ दिए हुए, ये आपका हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार हो गया, ये आपका वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, ये सभी आपके टास्क बार हो गया, ये वर्क सीट हो गया विंडो, यहाँ आपकी रो हेडिंग हो गई, ये आपकी कॉलम हेडिंग है, ये आपका एक्टिव सेल है, ये आपका रिबन हो गया, ये टाइटल बार हो गया, यहाँ मेनू बार हो गया, ये आपका फॉर्मूला बार हो गया, स्टैंडर्ड टूल बार हैं आपके यहाँ, फॉर्मेटिंग टूल बार हैं आपके, ठीक है। एम एस एक्सेल को प्रारंभ करना, किस तरह से प्रारंभ करते हैं इसे भी देख लेते हैं। आप एम एस एक्सेल को प्रारंभ करने के लिए निम्न में से कोई एक विधि प्रयोग कर सकते हैं, निम्न में से कोई एक विधि द्वारा इसे प्रारंभ कर सकते हैं। पहला है आपका डेस्कटॉप पर उपलब्ध एम एस एक्सेल के शॉर्टकट पर डबल क्लिक करके एम एस एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं आप लोग। दूसरा है स्टार्ट, फिर ऑल प्रोग्राम्स, फिर जाएंगे एम एस ऑफिस पे, फिर आप लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 पर क्लिक करके भी एम एस एक्सेल को प्रारंभ कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करने के बाद रन कमांड पर क्लिक करें, क्लिक करने के बाद रन विंडो में एक्सेल टाइप करके एंटर की दबाने से भी आप लोग एम एस एक्सेल को की विंडो को खोल सकते हैं, ठीक है। फिर है आपका आगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अवयव, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अवयव यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। सबसे पहले बात करते हैं टाइटल बार, यह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो में सबसे ऊपर एक रिबन पट्टी होती है जो फाइल के नाम तथा जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उस सॉफ्टवेयर के नाम दिखाती है। दूसरा है आपका रिबन, यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे एक पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है, इन आदेशों के पैनल को एक टैब के साथ जोड़ दिया जाता है। जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इसी रिबन पर दिखाई देते हैं, इस रिबन को छिपाया भी जा सकता है हमारे द्वारा। फिर है आपका टैब, क्या है टैब, एम एस एक्सेल में टाइटल बार के नीचे मेन्यू बार होता है, इस मेन्यू बार में लगे हुए बटन को टैब कहते हैं, क्या कहते हैं टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फार्मूला टैब, डेटा टैब, रिव्यू और व्यू टैब, इन टैब्स के साथ कुछ सहायक कमांड भी आपके होते हैं।
जिनका प्रयोग कार्य के दौरान कभी कभी करना पड़ता है। बात कर लेते हैं कुछ कमांड का, कमांडों का विवरण। पहला है आपका क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में किसी सेल के डेटा या टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट करने के लिए कमांड रहता है। कट या कॉपी किया हुआ डेटा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है, जिसे हम आगे हम कभी भी पेस्ट कर सकते हैं। फिर है आपका अलाइनमेंट। इसका प्रयोग किसी सेल में टेक्स्ट के अलाइनमेंट को बदलने के लिए करते हैं। इसमें दो प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, ऊर्ध्वाधर अलाइनमेंट और क्षैतिज अलाइनमेंट। इनमें टेक्स्ट को इंडेंट करने तथा यदि टेक्स्ट सेल में भर जाए तो सेल में अगली लाइन में लिखने के लिए की सुविधा भी देती होती है। इसमें दो सेलों को मर्ज करके तथा किसी टेक्स्ट को एक सेल में फिट करने की भी सुविधा होती है आपके पास। फिर है आपका टेबल। इसका प्रयोग सेलों के समूह को टेबल की तरह परिभाषित करने के लिए होता है। एक टेबल डेटा को फिल्टर करने तथा उसे एक क्रम में रखने में उपयोगी होते हैं। इसके द्वारा पाइवोट टेबल या चार्ट भी बनाया जाता है, जो डेटा को व्यवस्थित करने तथा उसको उसका सारांश प्रस्तुत करने में उपयोगी सिद्ध होता है। फिर आपका फंक्शन लाइब्रेरी। इनमें अनेक प्रकार के फंक्शन जैसे मैथमेटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन तथा त्रिकोणमितीय फंक्शन होते हैं, जो गणनाओं में प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए सम, एंड, इफ, लॉकअप, एबीजी, डेट आदि लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है, यही हम लोग इसे भी देख लेते हैं। स्पीड शीट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपके। एमएस एक्सेल में स्पीड शीट बनाए जाते हैं, जिसमें डेटा को टाइप किया जाता है, और एमएस एक्सेल से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं। स्पीड शीट एक सॉफ्टवेयर ट्रेल होता है, जिसका प्रयोग संख्याओं के समूह को एंटर करने, कैलकुलेट करने, मैनिपुलेट करने, एनालाइज करने के लिए होता है। इसमें पंक्तियों और कॉलमों के प्रतिच्छेदों से बहुत सारे सेल्स बनते हैं। सेल एक प्रकार का कंटेनर होता है, जो संख्याओं, सूत्रों, टेक्स्ट को होल्ड करना करता है। सेलों के समूह को सीट या फिर वर्क सीट कहते हैं। सेलों के समूह को क्या कहते हैं? सीट या फिर वर्क सीट। वर्क सीट के अंदर सारणी में सूचनाएं पंक्तियों और कॉलमों में प्रदर्शित होती हैं। वर्क बुक एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें एक या एक से अधिक वर्कशीट होती है आपकी। पंक्तियों की पहचान संख्याएं 1, 2, 3 से होती है। कॉलमों की पहचान आपकी अक्षरों के समूह ABCD डॉट डॉट AA फिर AB से लेकर Z तक होती है। सेल पॉइंटर पर एक सेल की बाउंड्री होती है, जो यह बताती है कि करंट टाइम में कौन सा सेल हमारा एक्टिव है। फिर आपका फार्मूला। एक समीकरण होता है, जिसका प्रयोग किसी सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए करते हैं। कोई भी फार्मूला बराबर के बाद लिखते हैं। सेल एड्रेस पंक्तियों और कॉलमों के अक्षर और संख्याओं के प्रतिच्छेद को दर्शाता है, जैसे C5 का प्रयोग होता है कॉलम सी और पंक्ति 5। फिर आगे आपका मैक्रोस। इसका प्रयोग कार्यों के क्रम को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। जब कार्यों का क्रम परिभाषित हो जाता है तो इसे एक डॉक्यूमेंट या फिर एक से अधिक डॉक्यूमेंट पर बार बार प्रयोग करके किसी विशेष कार्य को संपन्न करा सकते हैं हम लोग। फिर आता है आपका स्टेटस बार। विंडो टास्क बार के ठीक ऊपर और स्क्रीन के बॉटम में जो बार होती है उसे स्टेटस बार कहते हैं। यह जो वर्कशीट करेंट टाइम में खुली रहती है उसकी सूचनाएं दिखाता है, जैसे कि पेज नंबर, व्यू शॉर्टकट, जूम स्लाइडर आदि। फिर आता है आपका फार्मूला। फार्मूला बार यह रिबन के नीचे होता है। इसमें दो भाग होते हैं आपके। पहला नेम बॉक्स, जो किसी सेल के रेफरेंस को दिखाता है, और दूसरा आपका फार्मूला आता है, जिसमें कुछ टाइप करते हैं।
इसमें पहले से परिभाषित फार्मूला होता है जिसका प्रयोग कैलकुलेशन में किया जाता है तथा एक्टिव सेल के कंटेंट्स भी इसी में डिस्प्ले होते हैं। फिर है आपका चार्टर्स। एमएस एक्सेल में किसी वर्कशीट के डेटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए चार्ट का प्रयोग किया जाता है। एक्सेल चार्टों की यह विशेषता होती है कि जब भी आप उस डेटा में कोई परिवर्तन करते हैं जिस पर चार्ट आधारित है तो संबंधित चार्ट में वह परिवर्तन तत्काल कर दिया जाता है या ऐसा करने के लिए पूछा जाता है। चार्ट 6 प्रकार के होते हैं, कॉलम, बार, लाइन, एरिया, पाई और एक्स वाई या फिर स्कैटर चार्ट। बात करते हैं चार्ट के तत्व। चार्ट एरिया क्या है? चार्ट एरिया किसी चार्ट को बनाने में प्रयोग किया गया कुल क्षेत्र चार्ट एरिया होता है। चार्ट एरिया से चार्ट को घेरने के लिए एक आयताकार बॉक्स का प्रयोग करते हैं। इस आयताकार बॉक्स का एरिया चार्ट एरिया कहलाता है हमारे। दूसरा है आपका प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया या वह क्षेत्रफल जिसमें डेटा को चार्ट के रूप में प्रदर्शित करते हैं प्लॉट एरिया कहलाता है। प्लॉट एरिया 2D चार्ट के अक्षों से घिरा होता है जबकि 3D चार्ट में बॉल्स और फ्लोर से घिरा होता है आपका। फिर आपका चार्ट शीर्षक। एक चार्ट और दोनों अक्षों एक्स वाई के शीर्षक होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि चार्ट में हमें क्या दिखाना चाहिए और उसके अक्षों के मानों का क्या अर्थ होता है। आखिर अक्ष एक्सेस सामान्यतः किसी चार्ट को 2 अक्ष होते हैं जिन्हें क्रमशः एक्स और वाई कहा जाता है। एक्स अक्ष क्षैतिज अक्ष होता है जिसे कैटेगरी अक्ष भी कहते हैं। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष होता है जिसे वैल्यू अक्ष भी कहते हैं आप लोग। अक्ष शीर्षक एक्स वाई और जेड अक्षों एक्सेस को जिस शीर्षक से प्रस्तुत करते हैं उसे अक्ष शीर्षक कहते हैं। ये बताते हैं कि अक्षों के मानों में का क्या अर्थ है। फिर आता है आपका डेटा श्रेणियां। क्या आता है? डेटा श्रेणियां, डाटा सीरीज। डेटा श्रेणियां उन सभी मानों की सूची है जिनको हम चार्ट में दिखाना चाहते हैं। चित्र में खरीद और बिक्री 2 डेटा श्रेणियाँ हैं जो भिन्न भिन्न रंगों के कॉलम द्वारा दिखाई गई हैं। फिर आपकी ग्रेड लाइन है। ये कुछ बैकग्राउंड लाइनें होती हैं। इनमें हमें प्रत्येक डेटा श्रेणी के मानों का स्तर पता चलता है। ग्रेड लाइनें 2 प्रकार की होती हैं, मुख्य और गौण। मुख्य ग्रेड लाइनें मुख्य स्तरों को दिखाती हैं जबकि गौण ग्रेड लाइनें छोटे स्तरों को दिखाती हैं। एक्स अक्ष की ग्रेड लाइनें ऊर्ध्वाधर होती हैं जबकि जो आपका वाई अक्ष होता है इसकी ग्रेड लाइनें क्षैतिज होती हैं, हॉरिजॉन्टल। फिर आता है आपका संकेत। ये हमें चार्ट में उपयोग किए गए विभिन्न प्रकार के कॉलमों रेखाओं और बिंदुओं और रंगों का अर्थ बताते हैं। सामान्यतः प्रत्येक डेटा श्रेणी के लिए एक संकेत होता है जो चार्ट में दिखाया जाता है। संकेतों को दाएं, बाएं, ऊपर या नीचे या फिर किसी कोने में कहीं भी दिखाया जा सकता है। चित्र में संकेत नीचे दिखाए गए हैं, हम लोगों ने दिखा। फिर आपका डेटा लेवल। क्या है? डेटा लेवल। डेटा लेवल ये डेटा श्रेणी के वास्तविक मान होते हैं जो चार्ट में उस मान को व्यक्त करने वाले कॉलम, रेखा या चिन्ह के पास ही दिखाए जाते हैं। डेटा श्रेणी यह एक साधारण श्रेणी होती है जिसमें सभी डेटा श्रेणियों के मान दिखाए जाते हैं। यह श्रेणी चार्ट में किसी कोने पर दिखाई जा सकती है। यह आपका डेटा लेवल हो गया। देखिए ये आपका हो गया अक्ष शीर्षक, ये वाई अक्ष हो गया आपका, ये आपका शीर्ष चार्ट हो गया, ग्रेड लाइनें हो गई, चार्ट एरिया, प्लॉट एरिया, एक्स अक्ष, यह आपका डेटा सीरीज और ये आपके संकेत हो गए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम लोग एमएस एक्सेल के शॉर्ट कीज और उनका बर्डन। ये शॉर्ट कीज हो गई और उनका बर्डन डिस्क्रिप्शन।
ऐप टू, चुने हुए सेल को एडिट करने के लिए। ऐप फाइव, किसी विशेष सेल पर जाने के लिए। ऐप सेवन, किसी चुने हुए टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ए चिन्ह, ये कौन सा चिन्ह है आप लोग बताइए, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, करंट टाइम एंटर करने के लिए कंट्रोल प्लस फ्री चिन्ह, इसे क्या बोलते हैं। करंट दिनांक इंटर करने के लिए एएलटी शिफ्ट प्लस F1, नई वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए फिर है आपका शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3 का होता है एक्सेल फार्मूला विंडो खोलने के लिए, और फिर आपका शिफ्ट प्लस F5 सर्च बॉक्स लाने के लिए। क्या इसे यार सेमी कॉलम बोलते हैं, याद रखिए, क्या बोलते हैं, सेमी कॉलम, याद कभी कभी याद नहीं रहता है ना, क्या कहते हैं, सेमी कॉलम कहते हैं, याद रखिए। फिर है आपका कंट्रोल प्लस F10, कंट्रोल प्लस F10 में करेंटली चुनी हुई वर्कशीट को मैक्सिमाइज करने के लिए। कंट्रोल प्लस F6, खुली हुई वर्क बुक्स या विंडोज के मध्य एक वर्क बुक से दूसरी वर्क बुक, एक विंडो से दूसरे विंडो पर जाने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज अप, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट के एक्सेल वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस पेज डाउन, एक ही एक्सेल डॉक्यूमेंट में कि वर्कशीट के बीच में मूव करने के लिए। कंट्रोल प्लस टैब, दो एक्सेल फाइलों के बीच में मूव करने के लिए। कंट्रोल कंट्रोल प्लस टैब, दो एक्सेल फाइलों को मूव करने के लिए। ALT प्लस बराबर, चुने हुए सेलों के सभी डेटा को जोड़ने के लिए फार्मूला बनाना। कंट्रोल प्लस apostrophe या और, चुने हुए सेल के डेटा को करेंटली चुने सेल में इंसर्ट कराने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इसे कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क कॉमा फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर, जो डॉलर साइन है, एक करेंसी फॉर्मेट में नंबर फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैज, ये डेटा फॉर्मेट में नंबर को फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंट, प्रतिशत फॉर्मेट नंबर को फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट, टाइम फॉर्मेट में संख्याओं को फॉर्मेट करने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस, संपूर्ण कॉलम चुनने के लिए। कंट्रोल प्लस स्पेस, संपूर्ण पंक्तियां चुनने के लिए। ठीक है, इनका ये शॉर्ट की है। फिर आपका आगे एक्सेल में उत्पन्न की गई, इस तरह के क्वेश्चंस आपके वन डे एग्जाम में पूछ लेते हैं, वन लाइनर में। एक्सेल में उत्पन्न की गई नई वर्क बुक में डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट होती हैं। एक्टिव सेल वह सेल होता है जिसमें आप करेंटली काम कर रहे हो। एमएस एक्सेल का फाइल फॉर्मेट या एक्सटेंशन .xlx होता है। एल स्टेशन ग्रुप के द्वारा पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट कराते हैं, और डॉलर जो
आपका चिन्ह के द्वारा किसी सेल के लोकेशन को एक फिक्स्ड पोजीशन पर लॉक करते हैं, ठीक है। स्टैक्ड बार कॉलम किसी अद्वितीय वस्तु या सभी वस्तुओं से संबंध को बताता है। स्केटर मानों के योगों की तुलना करता है। चार्ट विजार्ड का प्रयोग एमएस एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए करते हैं। एम्बेडेड चार्ट एक प्रकार का चार्ट होता है जो पहले से बनी हुई सीट पर खींचा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। पावर पॉइंट एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत एक प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है जिसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने विकसित किया था। पावर पॉइंट प्रोग्राम विभिन्न प्रकार के प्रेजेंटेशन को सरलता और शीघ्रता से तैयार करते हैं, करने उन्हें सुधारने और छांटने, प्रेजेंटेशन का अभ्यास करने में हमारी सहायता करता है। पावर पॉइंट एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन ग्राफिक प्रोग्राम है जो आपको प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंटेशन की सुविधा देता है। पावर पॉइंट आपके लचीलापन प्रदान करता है आपको, जिससे आप चाहें तो अपने प्रेजेंटेशन को पूरी तरह पारदर्शिता अपनाकर अनौपचारिक बना लें या फिर पर्सनल कंप्यूटर से जोड़कर उसे इलेक्ट्रॉनिक बना लें। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप आसानी से प्रेजेंटेशन को डायनामिक बना सकते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया फीचर जैसे मूवी और पिक्चर शामिल रहते हैं। फिर आपका एमएस पावर पॉइंट को प्रारंभ करना किस तरह कहते हैं प्रारंभ, उसे देख लेते हैं। एमएस पावर पॉइंट को निम्नलिखित दो तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं हम लोग। डेस्कटॉप पर उपलब्ध एमएस पावर पॉइंट की आइकन पर डबल क्लिक करके इसे खोला जा सकता है, या फिर स्टार्ट मेनू पर क्लिक करके स्टार्ट मेनू की विंडो में ऑल प्रोग्राम पर क्लिक करेंगे, फिर ऑल प्रोग्राम में से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को चुनकर उस पर क्लिक करेंगे। स्टार्ट फिलहाल आपके ऑल प्रोग्राम आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुलेगा, फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट खुल जाएगा, ठीक है। फिर आपके जो पावर पॉइंट हैं उसके कंपोनेंट्स या अवयव, स्लाइड, प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज की स्लाइड कहते हैं। प्रेजेंटेशन के प्रत्येक पेज को क्या कहते हैं, स्लाइड। प्रेजेंटेशन पर आप स्लाइड बनाते हैं या उसमें सुधार करते हैं। प्रत्येक स्लाइड किसी विशेष बात को प्रस्तुत करने के लिए बनाई जाती है। फिर होता है आपका वक्ता नोट, स्पीकर्स नोट, नोट्स। ये ऐसी सूचना है जो वक्ता को प्रेजेंटेशन के समय कुछ बातें याद दिलाने के लिए दी जाती हैं। ये सामान्यतः कागज पर छपे हुए साधारण बात या फिर सूचनाएँ होती हैं। प्रेजेंटेशन के समय ये बात स्लाइड पर दिखाई नहीं देती है। फिर आपका प्रेजेंटेशन फाइल, किसी विशेष विषय पर प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक विशेष फाइल में रखा जाता है, जिसे प्रेजेंटेशन फाइल कहते हैं। प्रेजेंटेशन की इन फाइलों का एक्सटेंशन सामान्यतः PPT होता है, जैसे कि project1.ppt मास्टर स्लाइड होता है फिर आपका, या ऐसी स्लाइड होती है जिसमें किस ऐसी सूचनाएं या सामग्री दी जाती है जो प्रेजेंटेशन की प्रत्येक स्लाइड में शामिल की जाती है, ठीक है। फिर आपकी इसकी कुछ पावर पॉइंट की विशेषताएं हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। पावर पॉइंट की विशेषताएं, पावर पॉइंट की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं, कौन कौन सी हैं। स्लाइड ट्रांजिशन, जब प्रेजेंटेशन देते समय एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आती है तो उसके प्रकट होने के तरीके को स्लाइड ट्रांजिशन कहते हैं। फिर आपका एनिमेशन प्रभाव, किसी स्लाइड के विभिन्न तत्वों का उस स्लाइड पर प्रकट होना या फिर कोई हलचल या ध्वनि करना एनिमेशन कहलाता है। स्लाइड टाइटल, किसी स्लाइड को पहचानने के लिए उस स्लाइड का एक अपना नाम होता है, जिसे हम लोग स्लाइड टाइटल कहते हैं। फिर आता है आपका सबटाइटल, किसी टाइटल के अंदर प्रयोग किए जाने वाले टाइटल जो कि किसी स्लाइड डेटा का संक्षेप में वर्णन करे सबटाइटल कहलाते हैं। सबटाइटल किसी स्लाइड डेटा के केंद्र बिंदु पर प्रकाश डालता है, अर्थात केंद्र बिंदु के बारे में बताता है। फिर आपका नोट्स, पेजेज या व्यू मेनू में उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग किसी प्रयोग प्रस्तुतकर्ता के लिए स्पीकर नोट को डालने
उसे संपादित करने के लिए करते हैं। फिर है आपका स्लाइड पेन, कार्यचित्र जिसमें स्लाइड में सब कुछ लिखा जाता है उसे आवश्यकता अनुसार संपादित किया जाता है, वह स्लाइड पेन कहलाता है। ठीक है, फिर है आपका पावर पॉइंट व्यूज, पावर पॉइंट में स्लाइडों में सूचनाएं भरने, संपादित करने, उन्हें देखने की कई विधियां होती हैं जिन्हें हम लोग व्यू कहा जाता है। इनके द्वारा स्लाइडों में टेक्स्ट भरने, संपादित करने तथा उनको सही क्रम देने में बहुत सहायता मिलती है। पावर पॉइंट में निम्नलिखित व्यू होते हैं आपके, सामान्य व्यू, इस व्यू में आप पावर पॉइंट की स्लाइडों पर लगभग सभी क्रियाएं कर सकते हैं। इसमें पावर पॉइंट की विंडो को 3 भागों में बांटकर दिखाया जाता है जिन्हें हम लोग पैन कहते हैं। क्या कहते हैं? पैन कहते हैं। इसमें बाएं भाग को स्लाइड पैन कहा जाता है, इसमें 2 टैब होते हैं, आउटलाइन और स्लाइड्स। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग आउटलाइन के बारे में। टैब शीट में आप प्रत्येक स्लाइड की आउटलाइन देख सकते हैं जिसमें स्लाइड का शीर्षक और मुख्य बिंदु शामिल होते हैं। इस टैब शीट में टेक्स्ट पर कार्य करना अर्थात टेक्स्ट पर टाइप करना, सुधारना और पंक्तियों को व्यवस्थित करना आदि सरल होता है। स्लाइड्स, टैब शीट में सभी स्लाइड छोटे आकार में दिखाई देती हैं। इसमें क्लिक करके आप किसी स्लाइड को बड़े आकार में देख सकते हैं। इस व्यू के दाईं ओर दाएं ऊपरी भाग में कोई चुनी हुई स्लाइड या वर्तमान स्लाइड अपनी सभी विशेषताओं के साथ बड़े आकार में दिखाई देती है। स्लाइड के इस भाग में चित्र, रंगों आदि पर कार्य किया जाता है। ठीक है, फिर आपका स्लाइड शॉर्टर व्यू, इस व्यू में आप प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइडों को एक साथ छोटे रूम में देख सकते हैं जिसमें सभी टेक्स्ट या चित्र भी दिखाए जाते हैं। स्लाइड शॉर्टर व्यू में आप अपनी स्लाइडों को अपनी इच्छा अनुसार किसी भी क्रम में लगा सकते हैं। फिर आपका स्लाइड शो व्यू, इस व्यू में पावर पॉइंट के अन्य सभी तत्वों को गैप करके एक बार में केवल एक स्लाइड को पूरी स्क्रीन में उसके पूर्ण रूप में दिखाया जाता है। इस व्यू में स्लाइडों को एक एक करके निर्धारित क्रम में उनके लिए तय किए गए सभी प्रभावों के साथ दिखाया जा सकता है। ये आपके कुछ पॉइंट हैं, इन्हें भी याद रख लेना। एमएस पावर पॉइंट मैं प्रेजेंटेशन फाइल का फॉर्मेट .ppt या फिर .pptx होता है। टिगर को एक ऑब्जेक्ट या आइटम की तरह परिभाषित करते हैं जो अपना कार्य स्लाइड पर माउस को क्लिक करके करने पर करते हैं। एमएस पावर पॉइंट को अधिकतम 400% तक जूम किया जा सकता है। एमएस पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार के चित्र, साउंड जोड़ सकते हैं जिसका फॉर्मेट .gif, .bmp, .png, .jpg, .gib, .wav, .mid इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, बचा है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस एक प्रकार का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ कंबाइन करके बनाया गया। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का प्रयोग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए करते हैं। यह ऑफिस के अन्य अनुप्रयोगों की तरह विजुअल बेसिक 4 एप्लीकेशंस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एक्टिवेक्स डेटा ऑब्जेक्ट और अन्य एक्टिवेक्स कंपोनेंट को सपोर्ट करता है। अब बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के अवयव क्या क्या हैं। एमएस एक्सेस के अंदर 4 मुख्य अवयव होते हैं। पहला आपका सारणी, टेबल, टेबल में कॉलमों और पंक्तियों के प्रति छेद से सेल बनता है। टेबल बहुत सारी सेलों का संगठन होता है। इसका प्रयोग डेटा को व्यवस्थित रूम में स्टोर करने के लिए करते हैं। इसमें प्रत्येक रिकॉर्ड एक पंक्ति होती है तथा प्रत्येक फील्ड एक कॉलम होता है।
फिर आपका दूसरा है आपका इसके अवयव क्वेरीज। किसी सारणी या डेटा से कुछ शर्तों को पूरा करने वाला डेटा निकालने के जो आदेश दिया जाता है उसे क्वेरी कहा जाता है। किसी क्वेरी के उत्तर में जो सूचनाएं या फिर रिकॉर्ड प्राप्त होता है उसे हम लोग डायनासेट कहते। एमएस एक्सेस में मुख्य 5 प्रकार की क्वेरी शामिल होती है। सेलेक्ट क्वेरी, किसी दिए हुए शर्त के अनुसार डेटा ढूंढने या चुनने के लिए सेलेक्ट क्वेरी का प्रयोग करते हैं। पैरामीटर क्वेरी दूसरा, पैरामीटर क्वेरी में पहले कुछ पैरामीटर दिया जाता है, उस पैरामीटर के आधार पर कुछ पर यह क्वेरी डेटा सर्च करता है। पैरामीटर देने के लिए इसमें एक डायलॉग बॉक्स भी होता है। फिर आपका क्रॉस टैब, इस क्वेरी का प्रयोग सूचनाओं का सारांश कॉलमों तथा पंक्तियों में प्राप्त करने के लिए होता है। एक्शन क्वेरी, इसके द्वारा आप दी हुई शर्तों के अधीन कार्य करते हो, जैसे कुछ शर्तों के पूरा करने पर रिकॉर्ड को बदलना या हटाना आदि। SQL क्वेरी, यह एक प्रकार की एडवांस क्वेरी होती है जो SQL स्टेटमेंट के प्रयोग से तैयार की जाती है। ठीक है, फिर आपका तीसरा रिपोर्ट। क्या है रिपोर्ट? सरल शब्दों में कोई रिपोर्ट एक ऐसा डायनासेट होता है जिसे कागज पर छापा जा सकता है। आप किसी डायनासेट की सूचनाओं को किन्हीं आधारों पर समूहबद्ध कर सकते हैं और उन्हें विभिन्न योगों और अनुयोगों के साथ भी छाप सकते हैं। फिर आता है आपका फार्म। फार्म स्क्रीन पर ऐसी विंडो होती है जिसकी सहायता से आप किसी सारणी में भरे गए डेटा को देख सकते हैं और नया डेटा जोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर आपके MS एक्सेस होता है जो उसे प्रारंभ किस तरह से करते हैं। इसे प्रारंभ करने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका, डेस्कटॉप पर उपलब्ध MS एक्सेल के शॉर्टकट पर दो बार क्लिक करके आप लोग इसे खोल सकते हैं। दूसरा है, स्टार्ट मेनू पर क्लिक करें, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स में से MS ऑफिस चुनें, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007 को चुनकर उस पर क्लिक कर सकते हैं। स्टार्ट, ऑल प्रोग्राम्स, फिर MS ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस 2007, इस तरह से हम लोग ओपन कर सकते हैं। फिर है आपका MS Excel Template। इसकी बात करें हम लोग, यह एक पहले से परिभाषित सारणी, फार्मों या रिपोर्टों या मैक्रोज और रिलेशनशिप का एक पूर्ण रूप से टैगिंग एप्लीकेशन है। MS Excel निम्नलिखित प्रकार के डेटाबेस टेम्पलेट का संगठन होता है जो निम्न है। एसेट्स, इसका प्रयोग एक एसेट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के एसेट्स की डिटेल्स उनके मालिक आदि के बारे में सूचनाएं स्टोर की जाती हैं तथा उस सूचनाओं की देखरेख की जाती है। ठीक है, फिर है आपका कॉन्टैक्ट। क्या है कॉन्टैक्ट्स? इसका प्रयोग हम लोग एक कॉन्टैक्ट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं जिसमें लोगों की सूचनाओं को स्टोर किया जाता है और उसे मैनेज किया जाता है। फिर है आपका इवेंट्स। इसका प्रयोग एक इवेंट्स डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के होने वाले इवेंट्स को स्टोर किया जाता है तथा उसे ट्रैक भी किया जाता है। फिर है आपका फैकल्टी। इसका प्रयोग एक फैकल्टी डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें एक फैकल्टी से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे फैकल्टी का नाम, कॉन्टैक्ट, एजुकेशन आदि को स्टोर किया जाता है। फिर आपका मार्केटिंग प्रोजेक्ट। इसका प्रयोग एक मार्केटिंग प्रोजेक्ट डेटाबेस बनाने के लिए किया जाता है। इसमें मार्केटिंग प्रोजेक्ट से संबंधित सूचनाएं जैसे प्रोजेक्ट कब स्टार्ट करना है, कब समाप्त करना है तथा उसकी डिलीवरी कब करनी आदि को स्टोर किया जाता है। ठीक है,
फिर है आपका स्टूडेंट्स, क्या है स्टूडेंट्स, इसका प्रयोग एक स्टूडेंट डेटाबेस बनाने के लिए करते हैं। इसमें एक स्टूडेंट से संबंधित विभिन्न प्रकार की सूचनाएं जैसे कि उसका नाम, पिता का नाम, पिता का कॉन्टैक्ट नंबर आदि को स्टोर किया जाता है। इसी प्रकार एमएस एक्सेस डेटाबेस में कुछ अन्य प्रकार के टेम्पलेट्स जैसे एसयूड, प्रोजेक्ट्स, सेल्स, पाइपलाइन और टॉक्सस उपलब्ध होते हैं आपके। ठीक, आगे है आपका एमएस एक्सेस के तत्व देख लेते हैं। एमएस एक्सेस में प्रत्येक कार्य के लिए निम्नलिखित तत्व होते हैं। फील्ड नेम, यह एक लेबल होता है जो किसी विशेष फील्ड के बारे में बताता है। इस फील्ड में किस प्रकार की सूचनाएं या डाटा स्टोर कर सकते हैं। किसी टेबल में फील्ड का नाम अद्वितीय होना चाहिए, इसे फील्ड आइडेंटिटी भी कह सकते हैं हम लोग। फिर आपका फील्ड टाइप या डेटा टाइप, ये बताता है कि फील्ड में किस प्रकार का डेटा स्टोर किया जाता है। डेटा केवल टेक्स्ट भी हो सकता है और केवल नंबर भी हो सकता है, या इन दोनों के सहयोग से भी डेटा बन सकता है। एमएस एक्सेस में किसी डेटा टाइप की डिफॉल्ट साइज 50 होती है। इसमें निम्नलिखित प्रकार के डेटा टाइप आप कर सकते हैं, ये आपके डाटा टाइप्स हो गए, और फील्ड लेंथ ऑफ या फील्ड साइज टेक्स्ट 0 से 255 कैरेक्टर्स होता है, मेमो 0 से 65,535 ये आपके कैरेक्टर्स, डेट टाइम 8 बाइट, नंबर 1, 2, 4 और 8 बाइट, करेंसी 8 बाइट, ऑटो नंबर 4 बाइट, एस नो 1 बाइट या 0 या 1, ओ एल ई ऑब्जेक्ट अप टू 1 GB, हाइपरलिंक प्रत्येक भाग में 2048 आपके कैरेक्टर होते हैं। फिर आपका फील्ड लेंथ, फील्ड लेंथ का तात्पर्य किसी फील्ड में अधिक से अधिक कितने कैरेक्टर स्टोर किए जा सकते हैं उसे बताता है। ठीक है, फिर आपका प्राइमरी की, क्या है प्राइमरी की, यह विशेष प्रकार की होती है जिसका प्रयोग किसी रिकॉर्ड को अद्वितीय रूप पहचानने के लिए कहते हैं। यदि किसी फील्ड की प्राइमरी की बना दिया गया तो उसे फील्ड की को खाली नहीं छोड़ सकते। फिर आपकी वैलिडेशन रूल, यह एक प्रकार की वैलिडिटी चेकिंग है। इसमें डेटा को फील्ड में भरने से पहले उसकी वैधता की जांच होती है। यदि डेटा की वैधता सही है तो डेटा फील्ड में भर जाता है, अर्थात त्रुटि संदेश प्रिंट करता है। फिर है आपका एमएस एक्सेस व्यू। एमएस एक्सेस व्यू में 2 प्रकार के व्यू होते हैं जिसका प्रयोग टेबल बनाने और उससे फील्ड कॉलम को सेट करने के लिए करते हैं। डेटा शीट व्यू, इसका प्रयोग डेटाबेस में डेटा को दिखाने के लिए करते हैं, या डेटाबेस में डेटा को एंटर करने, उसे एडिट करने की अनुमति प्रदान करता है, किंतु इस व्यू में डेटाबेस को बदला नहीं जा सकता है। इस व्यू में कॉलम की नाम भी सेट कर सकते हैं और नए कॉलम को जोड़ भी सकते हैं आप। ठीक है, फिर आता है आपका डिजाइन व्यू। क्या है डिजाइन व्यू? डिजाइन व्यू के बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। डिजाइन व्यू, इस व्यू का प्रयोग किसी टेबल को डिजाइन करने तथा डिजाइन की गई टेबल में परिवर्तित करने के लिए होता है। टेबल डिजाइन करने का तात्पर्य यह है कि टेबल में फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप सेट करना। इसके द्वारा हम टेबल में उस अनेक प्रकार की कीज जैसे प्राइमरी की, कैंडिडेट की आदि सेट कर सकते हैं। फिर आपका आता है फिल्टरिंग डेटा, या किसी विशेष डेटा फिल्टर क्राइटेरिया के आधार पर किसी टेबल से सिर्फ उस रिकॉर्डों को दिखाता है जो दी हुई क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं। फिर आपका रिलेशनशिप, या दो से अधिक टेबल के बीच में
अंतर संबंधों को बताकर रिलेशनशिप को तीन भागों में बांटा गया, वन टू वन, वन टू मैनी और मैनी टू मैन मैनी। फिर आपका एट्रीब्यूट्स, किसी रिकॉर्ड की प्रॉपर्टीज की एट्रीब्यूट्स कहते हैं, जिसके प्रयोग से हम किसी रिकॉर्ड को व्यवस्थित कर तरीके से पहचानते हैं। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक प्रकार का पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर और ईमेल कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर है। इसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया था और वह एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। इसका मोस्ट प्रयोग किसी को मेल भेजने के लिए करते हैं हम लोग। इसे ईमेल क्लाइंट के नाम से भी जानते हैं, इसे ईमेल क्लाइंट के नाम से आप लोग जानते हैं। इसमें कैलेंडर, टास्क मैनेजर, कॉन्टेक्ट मैनेजर, नोट मेकिंग, जर्नल और वेब ब्राउजिंग की सुविधा भी हमें उपलब्ध है। इसे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन की तरह प्रयोग किया जा सकता है। यदि किसी संगठन में एक से अधिक उपयोगकर्ता को माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज सर्वर और माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट सर्वर का प्रयोग करना अत्यंत लाभकारी होता है। एमएस एक्सेस का फाइल फॉर्मेट होता है। मेमो का प्रयोग बहुत बड़ी संख्या के टेक्स्ट का स्टोर करने के लिए होता है, लेकिन इसमें सिर्फ टेक्स्चुअल डेटा ही स्टोर कराते हैं। OLE ऑब्जेक्ट का पूर्ण रूप ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग है। इसका प्रयोग विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट जैसे वीडियो क्लिप, पिक्चर वर्ड, डॉक्यूमेंट आदि को स्टोर कराने के लिए करते हैं। एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए एक बाइट की आवश्यकता होती है हमें। यदि वैलिडेशन रूल्स संतुष्ट नहीं हुआ है तो फलस्वरूप वैलिडेशन टेस्ट दिखाई देता है। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका 9वां चैप्टर। थोड़ा बड़ा था लेकिन क्या करें, अगर सीखना है कुछ तो बढ़ा दो, हो ही सकता है। इसे कह 9वां चैप्टर था आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। 10वें चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डेटाबेस की धारणाओं के बारे में, डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स।